रीवा की मंडी में फलों की बहार है। सीजनल फलों के अलावा वह फल भी उपलब्ध हैं जो आमतौर से इस मौसम में नहीं मिलते। नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। फलों का राजा आम हो या ठंड के मौसम की अमरूद या फिर पेरू जैसा विदेशी फल, सब मौजूद है जय स्तंभ में। हमारी टीम ने फलों को लेकर दुकानदार से बात की, कहाँ से लाते हैं ये फल, किस तरीके से देखभाल की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं फलों को लेकर बनी यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी, राजेश विश्वकर्मा के पास मैं मौजूद हूँ फल की ऐसी दुकान में जहाँ पर आपको सारे फल मिल जाएंगे जो आसपास कहीं नहीं मिलेंगे। एक दौर था, एक जमाना था, जब रीवा में फलों का अकाल हुआ करता था, यहाँ फल मिला ही नहीं करते थे। खासतौर से अगर मैं बात करूँ तो इस नारियल की, नारियल पानी कहीं नहीं मिलता था। हमारे साथ आज फल के दुकान के, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम मौजूद हैं, आज मैं इन्हीं से बात करूंगा और इनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा इस मौसम में क्या है खास इनके पास, क्या है खास फल आपके पास, ये बताइए। हमारे पास खास है, आइए चलते हैं बातचीत करते हुए। हम आपको बहुत कुछ, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आम भी मौजूद है, आम के यहाँ पर फल दिखाई दे रहे हैं। इस मौसम में आम भी काफ़ी मुश्किल काम है। जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे रीवा का सबसे चर्चित फल अमरूद। ये फल कहाँ से मंगाते हैं और इस समय गर्मी के मौसम में फल कहाँ से मिला आपको? ये इंदौर से आता है, अपने फार्म का फल है जो अमरूद है, जो मतलब फेमस है दुकान में बहुत पहले, मतलब 24 घंटे और 12 महीने आपके पास मिलेगा। वक्त गया, अब हम 12 महीने बहुत सारी ऐसी चीज़ बेचते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जैसा कि इस अमरूद का साइज़ क्या होगा? साइज 1 किलो से 1.5 किलो का साइज़, 1 किलो से 1.5 किलो के बीच का अमरूद मौजूद है। और क्या है खास, क्या दिखाना चाहेंगे आप? रसबेरी है, रसबेरी आ रही है जी, ये है रसबेरी जी, बताइए इसके बारे में। कर्नाटक से आती है रसबेरी, खाने में और जूस भी निकाल सकते हैं, इसका शेक भी बना सकते हैं, फुल मीठा फुल रसीला भी है, जो सिर्फ अपने दुकान में ही मिल सकता है। ये वरायटियाँ आज के डेट में वरायटी अपने पास करीब 80 से 85 वरायटी फ्रूट की, 80 से 85 तरीके के फल इस दुकान में मौजूद है। आमतौर पर जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका तो सीजन है, ये आपको सब जगह मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फल हैं जो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलते। इसको क्या बोलेंगे भैया, ये भी इस मौसम में क्या रेयर है? ये नाशपाती है जो अपनी इंपोर्टेड से यूएसए की है, जो सिर्फ अपने दुकान में ही मिल सकती है। नाशपाती अमेरिका की है, नाशपाती अमेरिका की है। अमरूद इंदौर का, और क्या है? ये कच्चे आम जी, कच्चे आम, ये कच्चे आम, ये कच्चे आम कहाँ से मंगाते हैं आप? ये केरल से है वो कच्चे आम। इसकी क्या क्वालिटी से आती है? जो कि अभी अब 200 रुपए के जी है अपने पास। आम केरल का, रसबरी कर्नाटक की, अमरूद इंदौर का, अमेरिका का नाशपाती, अमेरिका की नाशपाती, और भी जरा बताइए बाहर से आए। नारंगी अपने संतरा है, नागपुर का है, संतरा नागपुर का तो फेमस वेराइटी है। और बताइए सेब कहाँ का? ये ग्रीन एप्पल दिखाई दे रहा है, जरा ग्रीन एप्पल है, उठाइए मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा, जो कि तुर्की से आया हुआ है। ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ग्रीन एप्पल, ये ग्रीन एप्पल कहाँ से आया है? तुर्की से आया है, ये ग्रीन एप्पल भी तुर्की का है। इसकी क्या कीमत है? 240 रुपए किलो है। 240, आपके यहाँ सबसे महंगा फल क्या रेट है? सबसे महंगा फल अपने पास है अवाकाडो है। अवाकाडो कहाँ पर है जरा? जो की 1400 रुपए के जी। अवाकाडो को मैं दिखाऊंगा, 1400 रुपए के जी है अवाकाडो। उसके बारे में फल पहले दिखाऊंगा, फिर उस फल की आपको खासियत भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सबसे रोचक बात जो यहाँ पर आपको नज़र आई, वो नज़र आई अमरूद के रूप में। अमरूद इस मौसम में, वह भी 3 पाव 1 किलो का अमरूद। अब मैं आपको एवोकाडो दिखाना चाहूँगा। एवोकाडो, ये एवोकाडो है, ये आमतौर पर इसकी खासियत क्या है बताइए? खासियत है कि जिससे अपने अपने फेफड़े में कोई जमे हो, डॉक्टर के कहना हो, फेफड़े से कोई सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती हो, यदि पेट में कोई पथरी हो, उसको कम करने में
ये बहुत ज्यादा सहायक करते हैं। ये कहाँ से मंगाते हैं? ये यूएसए का, ये सब बाहर का इंपोर्टेड फ्रूट है। ये अपने एवोकाडो भी अमेरिका से आया है, हालांकि ये कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दुकान रीवा के जय स्तंभ में मौजूद थी और यहाँ पर जो भी सामान थे वो काफ़ी कीमती सामान, कीमती सेहत के हिसाब से, पैसे के हिसाब से कीमती नहीं, सेहत के हिसाब से। जैसे डॉक्टर कहता है इस मौसम में ये खाइए, अब आपको ये खाना है, उस तरीके के फल यहाँ पर लगातार मौजूद थे। जी बताइए। अपने पास थाईलैंड की इमली भी बहुत मशहूर है। मैं अब आपको दिखाऊंगा आमतौर से जो महिलाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, उसको कहते हैं इमली। इमली की कई वैरायटी यहाँ पाई जाती है, लेकिन आज मैं जो इमली आपको दिखाने जा रहा हूँ ये विदेश की इमली है। थाईलैंड खोल के जरा दिखा सकते हैं? मैं ये देखिए डब्बा खोल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये थाईलैंड की इमली है। हालांकि अब इमली हर नुक्कड़ हर चौराहे पे आपको मिल जाती है, आम तौर पर ठीक उसी तरीके की इमली जैसा कि आप अपने घर पर देखा करते हैं या अपने मोहल्ले से जो आप तोड़ते हैं उसी। क्या है टेस्ट इसका? हालांकि मैं आपसे क्यों पूछूं, मैं खुद ही टेस्ट करके देखिए कैसी है। ऐसा टेस्ट जो अपनी इमली में, अपनी इमली या तो बहुत खट्टी होती है या मीठी होती है, लेकिन ये खट मीठी एक मेरे चेहरे को देख के आप सहज ही अंदाजा लगा सकते होंगे कि मैं जो खा रहा हूँ इमली और उसका स्वाद कितना बेहतर होगा। मैं आपको और भी ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए विन भारत।